नमस्कार, मैं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। भंवरी देवी केस में अपहरण और हत्या के आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई को मंगलवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मलखान सिंह बुधवार को जेल से बाहर आए। सेंट्रल जेल के बाहर सैकड़ों लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसी केस में पूर्व मंत्री महिपाल मदेना के साथ मुख्य आरोपी रहे मलखान करीब 10 साल से जेल में थे। मलखान के घर पहुंचते ही परिवार ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान मलखान घर के बच्चों को दुलारते हुए नजर आए। भंवरी देवी प्रकरण में गिरफ्तार 17 में से अब तक 8 आरोपियों को जमानत मिल चुके हैं। महिपाल इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत पर है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने मलखान के छोटे भाई परसराम को 11 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा करने का आदेश जारी किया। अब सिर्फ 7 लोग जेल में हैं। पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। भंवरी देवी प्रकरण की वजह से राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया था। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। 1 सितंबर 2011 को जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाने में भंवरी देवी के पति अमरचंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी एएनएम भंवरी देवी लापता है। साथ ही उसने पत्नी के अपहरण की आशंका जताते हुए राज्य सरकार में तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेना सहित 2-3 लोगों पर शक भी जाहिर किया। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। मामले की जांच कुछ आगे बढ़ती। इस बीच राज्य सरकार ने विरोध को ध्यान में रखकर जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2011 को महिपाल मदेना से पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस मामले में कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का भी नाम आया। उन्हें भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस मामले में 15 अन्य गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद से महिपाल व मलखान अभी तक जेल में ही थे। सीबीआई का दावा है कि भंवरी देवी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। बाद में शव जलाकर उसकी राख को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहा दिया गया। यह मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। अब ये लोग रह गए हैं जेल में। भंवरी प्रकरण में कुल 17 लोग पकड़े गए थे। इनमें से 2 को पहले जमानत मिल चुकी है, 6 को कुछ दिन पहले जमानत मिली। वहीं महिपाल मदेना अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। अब मलखान सिंह को जमानत मिलने के बाद 7 आरोपी जेल में हैं। इसमें मलखान सिंह बिश्नोई की बहन इंदिरा बिश्नोई व बिश्नारा प्रमुख हैं। मलखान व इंदिरा पर भंवरी के अपहरण व हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। वहीं बिश्नाराम पर भंवरी का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर शव को जलाकर उसकी अस्थियों को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहा देने का आरोप है। शेष 5 आरोपियों पर इन तीनों का सहयोग करने का आरोप है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।